गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। योग दिवस पर भी कोरोना का काला साया, लोगों ने घर में रहकर किया योग। करसोग में सांसद रामस्वरूप ने किया योग, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जगह जगह कार्यक्रम। कोरोना के बाद अब सूर्य ग्रहण, घर से बाहर निकले तो कैसे। ठाकुर द्वारा में 15.47 ग्राम चिट्टे सहित मोटरसाइकिल सवार काबू, पूछताछ में जुटी पुलिस। कहां गया कोविड राहत कोष का पैसा, किन्नौर में न मास्क मिल रहे न सैनिटाइजर। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोरोना महामारी का साया बरकरार रहा, इसके चलते बंद पड़े संस्थानों में योग शिविर नहीं लग पाए। चंद लोगों ने घर में रहकर योग किया। क्षेत्र के शिव शक्ति मंदिर जुगाड़ में रजनीश शर्मा के मार्गदर्शन में योग शिविर का आयोजन किया गया। अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट से 15 मिनट रोज सुबह शाम दोपहर जब भी मौका मिले इस प्राणायाम को करना। आपने हार्ट के जुड़े हुए डिजीज आपके ठीक होंगे, पूरे शरीर की 72,72,00,000 10,210 नस नाड़ियों की शुद्धि करता है ये प्राणायाम। मुख्य नाड़ियां ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की शुद्धि करता है ये, कुंडली जागरण करता है ये, और जितने बॉडी में आपके डीजनरेट सेल हैं मृत कोशिकाएं जो है उनको जीवित करता है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखों के ऊपर लगा हुआ मोटा मोटा चश्मा उसको उतार देता है ये, आपके दिमाग को मजबूत करता है ये, आपका कोलेस्ट्रॉल हार्ट बीपी। इसके अलावा उपमंडल ज्वाली के कोटला में भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष योगराज मेहरा ने घर में रहकर ही योग किया। योगराज मेहरा ने कहा कि योग करने से व्यक्ति निरोग होता है। वहीं ज्वाली भाजपा के विधायक अर्जुन ठाकुर सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर ही योग दिवस मनाया। इस मौके पर ज्वाली के विधायक अर्जुन ठाकुर ने 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। करो योग रहो निरोग का संदेश देते हुए रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करसोग में कई स्थानों पर किया गया। इस दौरान तत्तापानी में आयोजित कार्यक्रम में मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा भी विशेष तौर पर शामिल हुए। वहीं करसोग के दूरदराज के क्षेत्रों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो वहीं महिला पतंजलि योग समिति द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए योग की कई क्रियाएं करवाई गईं। इस बीच महिला पतंजलि योग समिति ने भी सभी को सुबह योग करने का संदेश भी दिया। आज विश्व योग दिवस पर महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली तत्तापानी में माननीय लोकप्रिय सांसद श्री रामस्वरूप जी तत्तापानी में आए और यहाँ के लोगों के साथ बैठकर योग किया और लोगों को योग से रहे निरोग का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत का गौरवशाली इतिहास इस योग से जुड़ा हुआ। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा इस योग के प्रचार के माध्यम से पूरे विश्व को दिशा देते थे और यही काम हमारे बाबा रामदेव जी ने भी किया। लेकिन 2014 में जब हमारी सरकार बनी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को ये बात मनाने के लिए बाध्य कर दिया कि कई अन्य दिवस मनाए जाते थे कि योग दिवस भी मनाया जाए, और ये तय हुआ कि 21 जून को पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। हर देश में आज लोग इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से योग कर रहे हैं और आज हम भी आज इस तत्तापानी में जो शिमला से नज़दीक और मंडी जिला का भाग है, बड़ा पवित्र स्थान महर्षि जगदम्बनी की तपोभूमि, आज हमने इस योग का जो सभी ने मिलकर सामूहिक इसका अभ्यास किया है
और मेरा सभी से आग्रह भी है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग अति आवश्यक है और आप इसका इसको करने के लिए प्रतिदिन केवल मात्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ही योग ना करें लेकिन अपना जीवन का एक भाग बना लें, प्रतिदिन योग करें, ऐसा मेरा आग्रह रहेगा। एक बार पुनः देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने पूरे विश्व को बाध्य किया कि सब योग करें, निरोग रहें, करें योग रहें निरोग। आज उस परंपरा का पालन पूरा विश्व कर रहा है, इसके लिए सभी को आज योग दिवस पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, धन्यवाद। वर्ष के पहले सूर्य ग्रहण के साथ कोरोना वायरस का असर रविवार को पंचरुखी व आसपास साफ देखने को मिला। सूर्य ग्रहण के चलते लोग घरों से नहीं निकले, एक तो पहले ही कोरोना वायरस के कारण लोग कम ही निकल रहे थे, ऊपर से रविवार को सूर्य ग्रहण ने भी लोगों को डरा दिया। एहतियात के तौर पर लोग मास्क व सामाजिक दूरी बनाए हुए थे, जबकि सूर्य ग्रहण के चलते लोग चश्मा पहनकर अपने आवश्यक कार्यों पर निकले। बाजार में ग्राहक व वाहन भी कम ही नजर आए। सूर्य ग्रहण के चलते जहां लोग घरों में रहे तो किसान भी खेतों में नहीं पहुंचे। इस दौरान लोग घरों में मंत्र जाप करते हुए पूजा पाठ करते रहे। पुलिस चौकी ठाकुर द्वारा के अंतर्गत पड़ते त्योड़ा गांव में ठाकुर द्वारा पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चालक को 15.47 ग्राम चिट्टे सहित काबू किया है। थाना इंदौरा के प्रभारी सुरेंद्र सिंह धीमान ने बताया कि शनिवार रात पुलिस टीम ने त्योड़ा टू मंड मियानी रोड पर नाका लगाया था। इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति त्योड़ा से मंड मियानी की ओर आ रहा था, जब उसकी नजर सामने खड़ी पुलिस पर पड़ी तो वह पुलिस को देखकर घबरा गया और मोटरसाइकिल को मोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल की सीट के नीचे 15.47 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपी की पहचान शेरू पुत्र नूर हुसैन निवासी मिलवा डाकघर उलेडिया तहसील व थाना इंदौरा के रूप में हुई है। आम जनता द्वारा कोविड के नाम पर सरकारी राहत कोष में जमा करवाए गए पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप सरकार पर लगा है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं वर्तमान में किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने बताया कि किन्नौर में जहां कई देवी देवताओं ने कोविड के नाम पर सीएम राहत कोष में पैसा जमा करवाया, वहीं छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी सेविंग्स तक के पैसे राहत कोष में दान किए, लेकिन आज इन पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर मुख्यमंत्री के बड़े बड़े होर्डिंग्स तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार जिला में अब तक कोरोना टेस्टिंग की सुविधा तक उपलब्ध नहीं करवा पाई है। यहाँ पर ना तो पर्याप्त मात्रा में मास्क की सप्लाई हो रही है, ना ही सैनिटाइजर आदि अन्य जरूरी सामान उपलब्ध हो पा रहा है। पूरे जिले में अब तक टेस्टिंग की सुविधा तक नहीं है और जो पैसा जमा हुआ है कोविड 19 के नाम पर, किन्नौर के तो देवी देवताओं ने भी पैसे जमा कर दिए, लोगों ने जमा कर दिए, हिमाचल में जो है लोगों ने, बच्चों ने जो है अपने अपने जो एक एक छोटे छोटे जो उनकी सेविंग्स थी वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया। अब मैं देख रहा हूँ वो पैसा तो निकाले नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसी तरह से केंद्र में जो सरकार है मोदी जी ने भी जो है वहां पर कोविड 19 का बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा किया, एक पैसा उसमें खर्च नहीं कर रहे हैं। अभी देख रहा हूं कि बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं जयराम ठाकुर के, और ऐसे ऐसे जगह पे बोर्ड लगाए हुए हैं जो आपको मोड़ पर लगे हुए हैं, लोगों का नजर उस बोर्ड की तरफ जाएगा तो सीधा एक्सीडेंट हो जाएगा। आप पीओ बाजार में देखिए ऐसे जगह पे बड़े बड़े कोई 30-40 हजार रुपए खर्च करके बोर्ड लगे होंगे, मैं तो समझता हूँ उससे भी ज्यादा का खर्चा किया हुआ। आज 70 दिन से ऊपर हो गया कोविड-19 को लॉकडाउन हुए, लोगों को पता है कि मुंह में मास्क लगाना है, मास्क की सप्लाई नहीं है, सैनिटाइजर की सप्लाई नहीं है, साबुन की सप्लाई नहीं है, आपके टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, तो इन बोर्डों को लगा के हमारे पैसे का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, ये भी जो है बहुत ही चिंता का विषय है।